भाई सुरेश निंदाणा। राम राम जी सभी रागनी श्रोताओं को, अभिमन्यु मूवीज यूट्यूब चैनल को, आपके छोटे भाई सुरेश निंदाणे की हाथ जोड़ के राम राम। भाई जनक बापूड़ा। सारे भाइयों राम राम। भाई मारा भाई अनिल बड़म्बा। राम राम जी सारे भाइयों ने, जितने भी इस चैनल ने देखने वाले हैं सारे भाइयों का हाथ जोड़ के राम राम। भाई भाई यशपाल। सारे भाइयों ने राम राम हाथ जोड़ के। कलाकारों में भाई आवाज़ भी अलग अलग से, पहनावा तो अलग अलग आपे होगा, माइंड भी अलग अलग हैं, और कलाकार हो गया तो उसकी कलाकार की एक अलग पहचान तो होनी चाहिए। इब नू तो सह को नहीं भाई, कच्छ कच्छ मंगाणी से खड़ा होया तो पूरी अंगड़ा ही तोड़ा लत्या ना झाड़े किए तुम तूड़े में लकड़गार हो सुरेश बता भाई। इब इन खतरा भी यो भी रह बकदे तुम मुंडे लागो तो अपनी पर्सनैलिटी ही बनाते हैं भाई, और तो की है मेरे हिसाब से तो यही है भाई। अनिल बदैया ही नकल मरनी है, अरे भाई जनक पयो चटकला सुनाना हर खन्ना दी दन्नू ये कहनी है। दे भाई नकल मारते नहीं, जो रियलिटी होती है जैसे वो हैं वो पब्लिक को जनता को बताते हैं भाई आप ऐसे हो, और कोई सोच कर नहीं, वो तो परमात्मा की देन है भाई, जिसा हो उसकी कह दे हर पब्लिक आस पड़े वह नकल बन ओ भाई। सत्रह इतना वो कह रहा दलबीर फौजी बोला गूठी पर लेगा चैन पर लेगा रहा कुर्ता जनू सावथाली फिल्मा का गुंडा है। ठीक है ना, जरा आ गया जब भी वो गूठी का टिप पहन रहा तो उस साथ ने नू क्यों रहा क्या रो आगा आगा भाई दूसरा भी उसने भी क्या नू कर लिया रो दिखा दिया रो। शौक है भाई, किसी ने चैन पहनने का शौक से, किसी ने ये जैकेट पहन का शौक से, अलग अलग शौक है अपने। उठते नू दिखाना उस चारों अंगलिया गुठिया नूकरी रखे, देखो भाई सुनो भाई सुनो ईसा है मेरे भाई। जो भी कलाकार पब्लिक में खड़ा हुआ है सबसे पहले तो कलाकार ऐसा होना चाहिए जो एक पब्लिक तो एक अलग हटके दिखे। कलाकार का ये मतलब पहना हुआ ओढ़ना पहनना बोलना बतला ना तो आम पब्लिक की डाल हो जाएगा, जो उसने फिर जब न्यारा नहीं दिखेगा तो फिर पिछड़ने का क्यों करूँ कलाकार है। एक जनक बरगा खड़ा हो जाऊँ वो बूंदा लग गया बूंदा बताओ है। कोई बात ना भाई, जिसा सोना से तो यो सोना बरत लेगा अपनी। इब जो खन्ना है तो बताओ था सुरेश भाई, अब खन्ना न्यारे न्यारे कपड़े पहन ले जनू जयपुर की महारानी है। बूठी चैन कर के पार है वो भी पार है तो सब कहो आप अपना अंदाज हर कला। अच्छा राजेंद्र सिंह खर किया क्या कर दे एक बात भाई, सबसे पहले सजीले कलाकार वो हुए देखो ये बात में, सबसे सजीले कलाकार उन भाई गुट्ठी पहरनी एक चैन पहरनी, देखो तकरीबन कलाकारा ने मीनिंग उनने तो सीख्या है। देखो इबती तो कोई साहब है नहीं, फिर हो भी जाब हम तो नकल मारा इब जनक ने नकल मारन का के भी रही तो खुद नकल है। इसने के बेरा भाई नकल तो नकल कलाकार होगा तो भाई देख सुने जरूर के मैंने के मैं तो कहना पड़ेगा। सभी हरियाणा यूपी राजस्थान के दिल्ली के कलाकारों से देखो भाई बैठे हैं, कोई पर्सनल तौर से ये ना अपने दिल में फीलिंग ले आग भाई मारी मरे बटे काट करन लाग रहे हैं, मारे हंसी मजाक कर रहे हैं। दे भाई हम वो बता रहे हैं जैसे आप रियलिटी में हो, हमने महसूस हो है कदे कौन सा इनू का भाई मैं केस करूँगा वो बात सही नहीं होगी। इन तो भाई जिसे हो उसी का वहाँ ये कही है तो इसे मॉडल आ रहे हैं पाछे से बुलाया था भाई गाणिये का सतीश बोरा यूपी से, वो दो तीन इच्छत भाई बोले नु बोला यो जंत्रु कड़त पकड़ के लिया मगा यार समझे नहीं आप गाय की सुनने आ रहे हो शकल, अगर ऐसी बात होती तो माशे बाली शर्मा तो शायद कलाकार ही नहीं होने थे, उनकी तो तांबे की मूर्ति बननी चाहिए। मतलब नहीं मुंह पगड़े शर्मा कंबाल और फिर काम काट गया शायद यदि यूट्यूब ना था नहीं इसे इसे सुन इसे समचे खूगे ये बनना रहे। परमात्मा की असीम कृपा से धाड़ू में जन्म लिया और मैं आगे भी परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा अब भाई मैंने यहाँ धाड़ू में ही जन्म दे। एक जना खड़ा हो गया नू लिया भाई देख बाली शर्मा बात सुन ले, जन्म जरूर ले ली लेकिन इसा मुँह लेके पैदा कर। अच्छा बालक सा उनके बालक सा
कोई बात ना, पूछ लेंगे तो। हाँ, कोई किसी आप पर्सनल टारगेट नहीं है, नकल दो चाहे भाई ये गाड़ी उड़े जो रुपये देना हो है एक। हाँ। एक मानस आपको पैसे देना रहा है, आपकी इनकम बढ़ा रहा है, आपका सम्मान कर रहा है, उसको नकल मार के खत्म फिर दो ईंटे लेके खड़ा हो जाएगा। क्यों भाई कहिया ने मतलब हंसते भी कौन सो आया कर हंसते इस तरह सुन कर लें, कई स्रोता तो इसे हो जाए हैं और कई हसनीय हो से, और फिर वो जो सुन बैठे रहेगा ना उनको क्यों दांदा ना पड़ रहा है, तो कई स्रोता इसे भी हो से। और अनुभव भी बता सकते हैं, गणा तो बेरा पटदा को ना जे जवान छोड़ रहे दिग्गे मारे हिसाब के, तो उनका हिसाब का काम करना है। वो मासे राकेश कलोई वाली बात से, और ये सच्चाई बात है, एक साजन दादी कहने लग गया एक प्रोग्राम में घने कलाकार आ रहे नए नए गांव के लिए 20-30 इकट्ठे हो रहे, कहने की बात यह साजनदा मारे गण बोला फलाने बोले हाँ बोला जी इन गाणिया नू बेरा पट जाना किस टाइम पर के गाना है, तो बोला आपने नंबर ना है भाई अपन कोई नहीं बोला हुआ है पब्लिक को, यानी कि कलाकारों को ये नहीं बेरा पड़ता, जैसे मासे आजाद खांडा खेड़ी जी हुए वो ऐसे कलाकार थे ना बज पकड़नी है, जैसा मोल था आजाद सिंह खांडे खेड़ी वाड़े ने वैसी ही रागनी गाई फसाई रहे जब तड़वा के आगे दे गंजा लिया ये बात गलत तन्ने फिर के रिश्ता करवाना है इसका याद काटू हा ओ, ओ, काश निडाना गान लग गया जब उकड़ू बैठा ने तो नरेंद्र डांगी ने देख परमात्मा ने इसी असीम कर पकड़ी देख बोले छोरा कितना काला से बोले भाई यो मुर्गा बने था लेकिन रोक दिया परमात्मा अच्छा ये रियल बात है अच्छा ये पता डांगी साहब ने कही ये बात भाई यो उकड़ू बैठा इस तरह बैठा क्यों मुर्गा वर्गा मुंह है उसका मुर्गा वर्गा मुंह बोले भाई यो मुर्गा बना था लेकिन रोक दिया भाई बता भाई की कर सुरेश भाई एक बात महसूस करी है आज जो हम लोग बैठे हैं तो जनक लकड़ का आया है नहीं ये इतना स्टेज पर बोल जा तो काम चले इंसा तो इसने अबादी लंगवाड़ा टोड़ क्या जा करता रागनियाड़ा ये सच्चाई है जी कटु सच्चाई जो ये संस्कृति टोरे है ना भाई मारी गाने में संस्कृति है ये गाने में संस्कृति नहीं है इनको रियलिटी में ये नहीं पता कि हमारी संस्कृति है कहाँ और ये बात हो सकता है मेरी तकरीबन बुरी लगे मगर दिल से सोचना जो हमारी संस्कृति है माता पिता की इज्जत करो घर परिवार की बड़े छोटे की करो बच्चों को अच्छे संस्कार दो ओढ़ना पहनना सिखाओ बोलना चालना सिखाओ संस्कृति है या जो गाना है वो है एक मनोरंजन भाई आदमी सारा दिन काम करता है मेहनत करता है उसके बाद रिलैक्स होने के लिए पहले मनोरंजन के साधन नहीं थे आज तो आत्मय मनोरंजन के साधन है सभी के जब रिलैक्स होने के लिए गाना गाया करते या भाई सांग हो जाते उसको आज के जो समाज के ठेकेदार हैं गाने को संस्कृति बता रहे हैं रियलिटी से अपनी आत्मा से शिष्य के शम में बैठ कर अपने दिल से पूछना क्या ये संस्कृति है अगर मेरी बात बुरी लगे तो कमेंट में लिख जरूर दियो मगर सच्चाई है जो वो सच्चाई है जो रागनी को सुनने वाला होगा श्रोता होगा वही कलाकार बनेगा जिसका शौक होगा जिसने श्रोता नहीं है ना वो कलाकार नहीं बन सकता तो कास्टिजन ये आपको बताना सुनो पड़ेगा मैं सुनो कास्टिजन नहीं है मैं तो ये कहूँगा कास्टिजन नहीं है जो गाणिया है गाणिया की जो प्रतिभा है वह उभर के आओगी उसमें कास्टिजन की करेगा कास्टिजन तो जो गाणिया है वो उभर के आओगा जो कलाकारी हो वो दिखाओगा उसमें कास्टिजन क्या होगा एक बात दूसरी बात मान ले भाई का है कास्टिजन है कास्टिजन हो भी गा कितने एक दिन कितने एक दिन है कितने साल हो गए मासे जी आपको गाते हुए मन तकरीबन 28 साल मान के चलो ईब आत्मा से अपने दिल पे हाथ रख के दे भाई ने माधर्मी दिखे करवा दिल पे हाथ रख के ये बता
कास्टिजन है या नहीं है, यार ये बात का तोड़ोगे? देख भाई सुरेश, सच्चाई तो ये है, सच्चाई वो हाँ, है बिल्कुल कास्टिजन। देखो गांव में या गुवांड में या पूरा हरियाणा या यूपी कहीं भी चले जाओ, जो तुच्छ बुद्धि के प्राणी होते हैं वो कास्टिजन करते होंगे, लेकिन पूरा समाज को तो हम कह नहीं सकते ना कास्टिजन। पूरा समाज कार्यक्रम नहीं कराता मासे जी, इस बात का आपको भी पता है। मने ये बताओ मासे जी, आपके गांव में जब से आप गाने लगे हो, बेड़े बंद हो लिए थे मेरी ने, हम 2000 कराऊंगा जड़ती मारी जानकारी है, तो 20 साल का लवा हो गए। इस दौरान आपके गांव में प्रोग्राम खूब हुए हैं, दबा के हुए हैं, आपको कितने मौकों पर बुलाया गया और पूरा टाइम दिया गया स्टेज पर एज ए कलाकार, ये बताइए कास्टिज्म का मतलब ये है भाई? मेरा गांव जिसा गांव में नहीं, इस बात में तो सुनो बात है। मतलब मेरा गांव जैसा बहुत बुद्धिजीवी भी है मेरे गांव में, और मूर्ख आदमी भी है भाई देखो, लेकिन जकरा कास्टिजन का, कास्टिजन मैं न्यू कौन मानता कास्टिजन भाई, पहली क्लास में मलिक साहब अनिल भाई कोई पहली क्लास में है, फिर दूसरी में होगा, फिर तीसरी में, फिर दसवीं में, जब भी तो बात बनेगी। बचो यही बात बचन ला रहे हो आप, बचन ला रहे बस, जब मेरे में कलाकारी उभर के आओगी और गांव मान नगा वाई बात से वो नू नू कह दिया करे, नूले बापू गांव अपन की मैं ना समझता, नूले आपके समझा काम नहीं। नहीं बात ये नहीं, जी जो बात थी मैं पूछ रहा हूँ, ये मेरे सामने की बात है, आप छुपा नहीं सकते। आपका और माशे नरेंद्र तोयदादरी का रंग काट था, आपने भरा आपका, जब आप गा रहे थे वो शायद 19 रह गए, आप 21 गा रहे थे, और जब आपका राउंड आता एकदम से बंद क्यों होया? एकदम से बंद होना मतलब कहीं ना कहीं वाद विवाद था, किसी जातिवाद लगा ले, चाहे कोई इंडिविजुअल आपको टारगेट करता हो कोई आदमी। हम सुनो प्रदीप भाई, ये बात तेरी बात जायज है, वहाँ वो मैंने बता दिया ना भाई, पूरे समाज को तो हम कह नहीं सकते, पूरे गाँव को तो नहीं कह सकते। पूरा समाज कार्यक्रम नहीं करवाता, चुनिंदा लोग करवाते हैं। तो चुनिंदा लोग, उस चुनिंदा लोगों में मान ले बुद्धि की कमी तो उनमें भी उसका मलिक साहब है, यह थोड़ी है, है। अबे मैं पूरे समाज ने नुक दू, ये कास्टिजन कर रहे, कास्टिजन नहीं मानता मैं तो यूं मान रहा हूँ भाई, मैं मेहनत। एक बात मैं आप बधाई के पत्रों, जो आपको कलाकार नहीं मानते थे, चाहे उसमें मैं भी शामिल क्यों ना हूं, आज वो आपको मासे जी कहने पे मजबूर हैं, उसका लो आपने मनवाया, जबरदस्त मेहनत करी, ये काबिले तारीफ है। इस टॉपिक को यहीं बंद करो।